shells. This is pink. It's full of positivity, it's full of energy, it's full of life. It's lady behind, she said, your dress is so beautiful, you're looking so pretty. I don't know who compliment tha yahan par. She was just being sarcastic. It's looking absolutely beautiful, guys. एंड जो पूरी 17 माइल ड्राइव थी ना वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी. लाइक छोटे छोटे कुछ 17 उसमें व्यू पॉइंट्स. वी जस्ट कवर्ड आई थिंक 10-12 व्यू पॉइंट्स जो कि यहाँ के मेन मेन फेमस थे. सारे हम लोग कवर करने लग जाते तो पूरी यहाँ पर रात हो जाती हमें. सो हम लोग उसके बाद विजिटर सेंटर भी गए थे. वहाँ पर हमने थोड़ा सा कॉफ़ी वगैरह ली, स्नैक्स वगैरह लिए और उसके बाद हम लोग होटल वापस आ गए थे. और अब मैं पहुँच गई हूँ बीच वाली रोड पर. अभी आपको दिखाती हूँ. गाइज यहाँ से ये पूरा वॉकिंग प्लाजा स्टार्ट हो जाता है एंड ये है कुछ 3-4 माइल्स का. मैं पूरा कवर नहीं करूँगी, मैं आज हाफ ही कवर करूँगी. एंड अगर मैं सुबह जल्दी उठ पाई तो हाफ रास्ता मैं कवर करूँगी कल. तो चलिए देखते हैं. एंड यहाँ पर बैठने के लिए ना बेंचेस वगैरह भी बने हुए हैं. सो आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं एंड इस सनसेट को, इस व्यू को एंजॉय कर सकते हैं. सो फिलहाल तो मैं यहाँ पे नहीं बैठूँगी, मैं आगे की ओर चलूँगी और देखूँगी कि आगे और क्या क्या है. आई थिंक इस रोड से जाना चाहिए नीचे और देखना चाहिए कि क्या है यहाँ पर. इस जगह की जो वाइब्स है ना गाइज, आई कांट एक्सप्लेन यू. इट्स फुल ऑफ पॉजिटिविटी, इट्स फुल ऑफ एनर्जी, इट्स फुल ऑफ लाइफ, इट्स फुल ऑफ हैप्पीनेस. एंड ये जो आपकी आवाज़ सुन रहे हो ना वेव्स की, इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ. दिस प्लेस हैज अ डिफरेंट चार्म. ये देखो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के शेल्स. दिस इज पिंक, दिस इज ग्रेइश, दिस इज सम डिफरेंट कलर, दिस इज ऑरेंज. अभी जो वेव्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही हैं एंड यहाँ तक आ रही हैं. लाइक यहाँ की जो सैंड है ना वो भी गीली है, आप देख सकते हो. जस्ट लुक एट दिस. पहले पहले मुझे ना शेल्स इकट्ठा करने का बहुत मज़ा आता था. लाइक मैं किसी भी बीच पर जाती थी ना तो मैं वहाँ से शेल्स इकट्ठे करके ज़रूर लेकर आती थी. लाइक अभी धीरे धीरे ये जो शौक है ना मेरा ये कम हो गया है. अब मैं बीच पर जाती हूँ तो शेल्स को सिर्फ देखती हूँ, शेल्स इकट्ठा नहीं करती हूँ. बिकॉज़ मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है शेल्स का और वो सब इंडिया में है. अभी यहाँ पर मैं कुछ नहीं लेकर आई हूँ. तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे शेल्स मुझे दिख रहे हैं बट आई डोंट फील लाइक पिकिंग देम अप. सो अब चलते हैं आगे. इस जगह की जो पॉपुलेशन है ना वो भी आई थिंक काफ़ी कम है. लाइक घर तो मुझे काफ़ी दिख रहे हैं लेकिन आप देख सकते हो मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम से चल रही हूँ, वॉक कर रही हूँ लेकिन दूर दूर तक मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है. लाइक वहाँ पर दूर एक सामने एक लेडी बैठी है, उसके बाद फिर बहुत दूर एक मुझे कोई दिख रहा है वहाँ पर अपने डॉग के साथ और इस तरफ मुझे कोई नहीं दिख रहा है. लाइक यहाँ पर ना पॉपुलेशन काफ़ी कम है. टूरिस्ट वगैरह आए हैं बट अभी वीकेंड नहीं है, वीकडेज़ हैं तो टूरिस्ट भी मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं. जस्ट लुक एट द सन गाइस, इज़न्ट इट सो ब्यूटीफुल. एंड ऑनेस्टली गाइज मैं आपको बताऊँ यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं, कोई भी मुझे देख नहीं रहा है. एंड मैं कैमरा पे बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपसे बात कर रही हूँ बट जब बहुत ज़्यादा लोग मेरे आसपास होते हैं ना, लाइक बहुत ज़्यादा जैसे हेविली क्राउडेड एरियाज़ होते हैं वहाँ पर मैं ऐसा कैमरा लेके बात करने में मुझे थोड़ा सा ना कॉन्शियस में हो जाती हूँ और इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करती हूँ. एंड दिस इज़ अ रीज़न मैं वॉइस ओवर करना पसंद करती हूँ अपने व्लॉग्स में भी. ऑल्दो ये गलत है, व्लॉगिंग ऐसे नहीं होती है. सॉरी, सो व्लॉगिंग ऐसे नहीं होती है एंड व्लॉगिंग में ना आपको कॉन्फिडेंस चाहिए जो कि मेरे में इतना नहीं है. होपफुली धीरे धीरे आ जाए. सो ये पूरी नेबरहुड है, यहाँ पर लोगों के घर हैं, सामने बीच है. एंड आई थिंक ये बीच बीच का जो क्रेज़ है ना ये सिर्फ हम लोगों को ही होगा, इन लोगों को कोई इतनी वैल्यू नहीं होगी. बिकॉज़ ये लोग तो रोज़ ही देखते हैं एंड जो चीज़ फिर इजीली एक्सेसिबल होती है ना उसकी इतनी वैल्यू नहीं रह जाती है. सो आई डोंट थिंक सो इनको इतना फ़र्क पड़ता होगा
बीच है नहीं है। ये पूरा यहाँ से जाने का रास्ता उस रॉक पे, और फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करा सकते हैं। लेकिन हमारा सुबह का जो डोज है ना वो अच्छा खासा हो चुका है, हमने काफ़ी ज़्यादा आज फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं। सो मेरा अभी बिल्कुल मन नहीं है फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने का, और बस मैं यहाँ से थोड़े से शॉर्ट्स लूँगी। एंड यू नो गाइज, हम लोग ना इससे पहले बहुत सारे बीचेस में गए हैं, बट इस बीच की स्पेशलिटी मुझे क्या लगी, इस बीच का जो फ्लोरा एंड फौना है ना, लाइक जो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है, प्लांट्स हैं, वो एकदम डिफरेंट है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये सब वाइल्ड प्लांट्स हैं, बट इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। यूजुअली बीचेस के पास इस तरह की वेजिटेशन नहीं होती है। इस जगह की जो खूबसूरती है ना, वो इन सारे प्लांट्स ने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी है। तो ये ना बिल्कुल सकुलेंट्स की तरह लग रहे हैं। आई डोंट नो ये कौन सा प्लांट है, बट इट लुक्स लाइक सकुलेंट। और ये पूरे बीचेस के पास सारे यही यहाँ पर छोटे छोटे जो है प्लांट्स लगे हुए हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं ये। यू नो गाइज, आपको एक हंसी वाली बात बताऊँ, मैं ना ड्रेस में ही वॉक करने आ गई हूँ, और यहाँ पर जितने लोग हैं ना वो मुझे घूर घूर के देख रहे हैं कि मैं किन कपड़ों में वॉक कर रही हूँ। एंड देर वॉज अ लेडी बिहाइंड, शी सेड योर ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल, यू लुकिंग सो प्रिटी। आई डोंट नो वो कॉम्प्लीमेंट था या फिर शी वॉज जस्ट बींग सरकास्टिक। एनी वेज, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं यहाँ पर ना अपने ट्रैक पैंट्स टी शर्ट्स वगैरह ज़्यादा लेकर नहीं आई हूँ। यहाँ पर ना एक बेंच है और सामने बहुत अच्छा व्यू है, तो मैं यहाँ पर आकर बैठ गई हूँ। ये सामने घर है और ये व्यू है, हम पैसे खर्च करके इतनी दूर से ये देखने आते हैं, और ये इनको 24/7 देखने को मिल रहा है। ओह माय गॉड, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। वाओ गाइस, जस्ट लुक एट दिस, ये जो पूरा रास्ता है ना उसमें पूरे इस तरह के प्लांट्स लगे हैं। एंड आई थिंक ये ना कैक्टस है, कैक्टस का ही कोई डिफरेंट फॉर्म है, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, लाइक ये ग्रीन और थोड़ा थोड़ा रेडिश कलर में है, एंड इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल गाइस। चलो आगे चलते हैं। ओह माय गॉड, ये जगह इतनी ज़्यादा सुंदर है ना गाइस, कि बस मन करता है कि सारी की सारी ब्यूटी अपने कैमरा में आप कैप्चर कर लो, और बस कैमरा आपका ऑन रहना चाहिए, एंड बस आप फोटोज क्लिक करते जाओ, एंड कैमरा की जो बैटरी है ना वो बिल्कुल भी डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए। एंड आई थिंक मैं काफ़ी आगे आ चुकी हूँ, मैंने कुछ 1.5-2 माइल तो कवर कर लिया होगा। एंड यहाँ पर ना आगे एक स्टेट पार्क भी है, जो कि बीचेस के पास में एक स्टेट पार्क होता है छोटा सा, बट मैं अभी स्टेट पार्क में नहीं जाऊँगी, बिकॉज मुझे 2 माइल और चलना पड़ेगा, और फिर से मुझे 4 माइल वापस जाना है होटल में। सो मैं इतना नहीं चलूँगी, एंड साथ में अंधेरा भी होने वाला है। आई जस्ट गो नियर दैट पॉइंट और उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगी। एंड मुझे ना गाइस पर्सनली वॉक करना बहुत अच्छा लगता है, लाइक मैं न्यूयॉर्क में भी होती हूँ ना, तो मैं रोज़ वॉक करती हूँ, लाइक 5-6 माइल्स तो मेरी वॉक हो ही जाती है रोज़। मुझे वॉक करना काफ़ी पसंद है, मॉर्निंग वॉक करना मुझे अच्छा नहीं लगता, बिकॉज नींद कौन ख़राब करेगा सुबह सुबह। आई एम नॉट एन अर्ली राइजर, मैं सुबह सुबह जल्दी नहीं उठ सकती हूँ, एंड वो भी वॉक के लिए। बट इवनिंग वॉक इज़ समथिंग जो कि मैं रोज़ करती हूँ, शायद कभी कभार मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ तो मिस हो जाता है, बट ऐसे मुझे इवनिंग वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। मेरी फ़ोटोग्राफी जो थी ना वो पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लाइक मैं बहुत ही ख़राब फ़ोटो खींचती थी, लेकिन जब से मैंने ये YouTube का काम शुरू किया ना, मेरी फ़ोटोग्राफी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। आई थिंक मैं ठीक ठाक फ़ोटोज़ अब ले लेती हूँ। मुझे ना फ़ोटोज़ क्लिक करना बहुत अच्छा लगता है, लाइक अपने भी, और जब आप इतनी खूबसूरत जगह पे होते हो तो फ़ोटोज़ क्लिक कौन नहीं करेगा भाई, आई थिंक सब करते हैं। हस्बैंड थोड़ा कभी कभी मुझसे इरिटेट हो जाते हैं, बिकॉज उनको फ़ोटोज़ क्लिक करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट जब मैं बोलती हूँ तो क्लिक कर देते हैं बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह।
One lady just passed by and she said the same thing that my dress is looking very beautiful. So meri dress pe aaj sab fida hai. Kya baat hai? And you know guys, baatein karte karte mujhe bilkul time ka pata hi nahi chala and main shayad kafi zyada door aa gayi hu because mujhe state park wahan samne dikh raha hai. So काफ़ी अंधेरा भी होने वाला है अभी, मुझे वापस जाने में भी एक घंटा लगेगा एंड अकेले थोड़ा सा सेफ भी नहीं है बिकॉज नई जगह है इनका पता भी नहीं होता है. सो आई थिंक मुझे फटाफट वापस चलना चाहिए. आपको सारा ये जो रास्ता था ना ये ऑलमोस्ट दिखा दिया है एंड इतनी सारी ब्यूटी जो आपको मैंने दिखाई है आज बिल्कुल फ्री में, आपको ये कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट करके. एंड ऑनेस्टली गाइस मुझे ना काफ़ी मज़ा आया. मैं वॉक करने अकेले जाती हूँ और मैं थोड़ा सा बोर फील करती हूँ कभी कभी, लेकिन आज मुझे बिल्कुल भी बोर फील नहीं हुआ. मैं साथ साथ में आपसे बात करती जा रही थी और साथ साथ में वॉक कर रही थी और मुझे बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चला कब मैंने इतना सारा रास्ता कवर कर लिया. गाइस आई थिंक अभी ना मुझे इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करना चाहिए, आपको फटाफट से बाय बोलना चाहिए बिकॉज बैटरी पता नहीं कब चली जाएगी. बिकॉज एक वार्निंग साइन मुझे आ चुका है एंड नेक्स्ट नहीं आएगा, फोन फटाफट से बंद हो जाएगा. एंड गाइज डू लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. अगर आपको इस तरह की हल्की फुल्की चिट चैट काइंड ऑफ वीडियो पसंद आती है ना तो मैं आपके लिए और भी बनाऊंगी. अगर आप न्यूयॉर्क सिटी में कोई स्पेशल जगह देखना चाहते हो या फिर इस तरह की कोई और स्पेशल ब्लॉग्स में वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी. बट फॉर नाउ गाइस आई हैव टू साइन ऑफ एंड मैं मिलूंगी आपको एक नई जगह पर एक नए ब्लॉग के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, डू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ. बाय बाय एंड लव यू ऑल. ना अंधेरा भी हो गया है एंड मुझे ना काफ़ी ठंड भी लग रही है. सो आई थिंक मुझे फटाफट से भागना चाहिए.